वेलकम अगेन टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ संस्कृति का झरोका। इस चैनल पे मैं आपको हमारे देश के लोकप्रिय धार्मिक ऐतिहासिक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के वर्चुअल ट्रिप पे ले जाती रही हूँ, ताकि दुनिया घूमने से पहले आप अपने देश को जान लें। तो मैं आज आपको बहुत ही सुंदर त्रियुंड ट्रैक की रोमांचक यात्रा पे ले जाने वाली हूँ। ट्रैकिंग पे जाना काफ़ी टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में था। हिमाचल प्रदेश का त्रियुंड ट्रैक मेरा पहला ट्रैक था जो मैंने अभी हाल ही में मई 2023 में ही कंप्लीट किया। ऊंचे नीचे देवदार और बुरांश से भरे पथरीली पगडंडियों की ओर जाते घुमावदार रास्ते अभी तक मेरे जहन में ताज़ा हैं। हिमाचल प्रदेश के राजसी धौलाधार पहाड़ों में बसे एक लुभावने साहसिक त्रियुंड ट्रैक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको त्रियुंड के इतिहास और ट्रैकिंग के अनुभव की यात्रा पर ले जाने वाली हूँ। त्रियुंड में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। धौलाधार रेंज स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय है, जिसे देवताओं का निवास और तीर्थ यात्रियों के लिए आध्यात्मिक स्वर्ग माना जाता है। गद्दी जनजाति, जिन्होंने पीढ़ियों से इन पहाड़ों पर निवास किया है, इस जगह को अपना घर कहते हैं। त्रियुंड एक बहुत लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थान है। त्रियुंड धर्मशाला का मुकुट है, धौलाधार के पहाड़ों की गोद में स्थित है। इसके एक तरफ से धौलाधार के पहाड़ और दूसरी तरफ कांगड़ा घाटी नज़र आती है। त्रियुंड भारत और दुनिया भर से हर साल बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। त्रियुंड ट्रैक को हम एक शांत ट्रैक के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे लगभग सभी आयु वर्गों द्वारा पूरा किया जा सकता है। त्रियुंड एक अनोखा ट्रैकिंग का रास्ता है, जो ओक, देवदार और रोजोड्रोन के सुंदर मिश्रित जंगल के मध्य से होकर जाता है। पहले 5 किलोमीटर के लिए रास्ता काफ़ी आसान है, लेकिन अंतिम 1 या 2 किलोमीटर को पॉपुलर 22 मोड़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें 22 छोटे बड़े मोड़ हैं। ये रास्ता डिफ़िकल्ट है। त्रियुंड में एक विश्राम गृह भी है, जो जंगलात विभाग के यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ट्रैकर यहाँ रात भी बिता सकते हैं या अपने टेंट लगाकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। त्रियुंड ट्रैक की शुरुआत गल्लू से होती है, या फिर आप मैक्लोडगंज से भी अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। त्रियुंड ट्रैक धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है और समुद्र तल से 2828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रैक का पूरा रास्ता चढ़ाई वाला है। आखिर की जो 2 किलोमीटर स्नोलाइन कैफे से हैं, वो खड़ी चढ़ाई के हैं। धर्मकोट से करीबन 7 किलोमीटर दूर है, तो इस पूरे ट्रैक में हमें करीब 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ लगभग हर 1 किलोमीटर दूरी पर पानी और नाश्ते के लिए कैफ़े हैं। त्रियुंड ट्रैक पर खाने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, क्योंकि एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध ट्रैक है। यहाँ पे जैसे मैजिक व्यू है, सीनिक व्यू है और स्नोलाइन कैफ़े जैसे कॉफ़ी और चाय के स्टॉल के कुछ विकल्प हैं, जो बुनियादी जलपान हमें प्रदान करते हैं। त्रियुंड ट्रैक साहसी और प्रकृति प्रेमियों के लिए समान रूप से करामती अनुभव प्रदान करता है। जैसे ही आप 9 किलोमीटर की इस पगडंडी पर चलते हैं, आप अपने आप को प्रकृति के आलिंगन में डुबोते हुए ओक, रोडोड्रोन और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों से गुजरेंगे। यात्रा के बाद जब आप बर्फ से ढकी धौलाधार चोटियों के विस्मयकारी दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध और जड़वत हो जाएंगे। इंद्रहर दरा और कांगड़ा घाटी रास्ते में आपकी साथी है। इस लुभावनी कैनवास पेंटिंग को जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। त्रियुंड के शिखर पर तारों भरे आकाश के नीचे एक रात बिताना अद्भुत अनुभव है। त्रियुंड ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, जो इसे साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। इस ट्रैक पर हर किलोमीटर पर मैंने बदलते मौसम का मज़ा लिया। एक ही दिन में मैंने बदलते मौसम के साथ कपकपाती ठंडी हवा, बारिश की फुहारे बर्फ के साथ महसूस की, और साथ ही साथ चमकते सूरज को भी देखा। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर त्रियुंड ट्रैक की यात्रा पे जाइए।
हर कदम के साथ आप अपने आप को चुनौती देंगे और अपनी खुद की ताकत का पता लगाएंगे। यादों के पदचिन्ह छोड़ेंगे जो जीवन भर आपके साथ रहेंगे।